हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुदेश दाजी एंड एजुटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं और उसे गूगल एडसेंस से लिंक करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं अगर आपके पास टैलेंट है तो। जी हाँ दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उसे गूगल एडसेंस से लिंक करके अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं रहता, मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा। लेकिन शुरू करने के पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल के आइकन पर भी क्लिक कर देना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई और ब्राउज़र है, मोजिला या कोई और अदर ब्राउज़र, उसे ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करके आपको बता देता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करके करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सर्च कर रखा है तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब का होम पेज ओपन हो गया है। अगर आप पीसी में बना रहे हो तो भी यही ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। अगर मोबाइल में बना रहे हो तो आप तो भी यही आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और रिक्वेस्ट टू डेस्कटॉप साइट कर देना है। तो आप इससे क्या होगा कि आपको ये लाइक का कंप्यूटर वर्क करेगा आपको। तो आपको साइन इन का निशान आ रहा है तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और नेक्स्ट, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर थोड़ा एक पेज ओपन होगा। आप देख सकते हो आपके सामने वापस यूट्यूब का होम पेज ओपन हुआ है। तो आप इसे ज़ूम कीजिए और ज़ूम करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर पहले साइन इन का निशान आ रहा, तो आप यहाँ पर एक पर्सन आ रहा है, मतलब यानी कि एक फेस दिखा रहा है। तो आपको फेस पर क्लिक करना है, दो तीन बार आपको क्लिक करना है जब तक कि एक ऑप्शन ना आ जाए आपके सामने। तो आप देख सकते हो आप यहाँ पर फेस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट स्टूडियो का ऑप्शन आ गया है। तो आपको क्रिएट स्टूडियो पर क्लिक करना है। तो मैंने क्रिएट स्टूडियो पर क्लिक कर दिया है और आपको यहाँ पर एक ओपन होगा। तो इसे बोल डैशबोर्ड, या आपका चैनल का डैशबोर्ड है तो आपको इसको गोटेट कर देना है एक बार। और आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है, वीडियो मैनेजर, लाइव स्ट्रीम, कमेंट, चैनल एनालिसिस, क्रिएट स्टूडियो, बहुत सारे दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर किस पर क्लिक करना है, आपको चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपका अपना अकाउंट वेरीफाइड कराना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वीडियो डालने से पहले, सब कुछ करने से पहले आपको वेरीफाइड कराना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉल मी, अगर आप टेक्स्ट, मतलब जो कोड चाहिए वो आप कॉल करके प्राप्त करना चाहते हो तो आप कॉल में कर सकते हो। अगर टेक्स्ट में चाहिए तो आप टेक्स्ट पर कर सकते हो। मुझे यहाँ पर टेक्स्ट में चाहिए तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने मेरे को 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड भेजा है। तो यहाँ पर मैं ये कोड आ गया है और मैं डाल देता हूँ 9152789152 78 और सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेट्स, योर यूट्यूब अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड, कंटिन्यू। अब मेरा YouTube अकाउंट वेरीफाइड हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले वेरीफाई लिखा रहा था लेकिन अब लिखा आ रहा है वेरीफाइड। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो गया है दोस्तों। ये तो बात हुई हमारे स्टूडियो को क्रिएट करने की, यानी कि चैनल को क्रिएट करने की। तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि आपको इससे कमाई करने के पहले, सबसे पहले आपको एक वीडियो या दो वीडियो मिनिमम अपने चैनल पर डालनी कंपलसरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में जाकर आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप प्राइवेसी में पब्लिक रहने दीजिए। कैटेगरी में अगर आप कैटेगरी चूज़ करना चाहते हो तो आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी, म्यूज़िक, पीपल, पेट्स, ट्रेवल अगर है तो आप चूज़ कर सकते हो उसे। लाइसेंस अगर आप
कर सकते हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन, अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन, अपने चैनल का टाइटल, टैग्स लगा सकते हो, और कमेंट एंड रेटिंग यहाँ पर अलाउ कमेंट, कमेंट को अलाउ करना चाहते हो, वीडियो लैंग्वेज, वीडियो की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कैप्शन सर्टिफिकेशन, यहाँ पर कैप्शन जो होता है वो कैप्शन वो होता है दोस्तों कि आपकी वीडियो इंग्लिश में हो और उसे हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं वो होता है कैप्शन। सजेशन वीडियो आउट ऑफ स्टॉक, तो आप इसे यहाँ पर से चेंज करके आप सेव कर दीजिए। यहाँ पर ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे सेव कर देता हूँ, मैंने चेंजेस किए हैं जो। तो दोस्तों आपने सेव करने के बाद आपको यहाँ पर इसको जूम करना है, और जूम करके आपको वापस स्टेटस एंड फीचर में जाना है। स्टेटस एंड फीचर में जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो आप अपलोडिंग यू कांट अपलोड इनेबल्ड यू कैन अपलोड सॉरी, और यहाँ पर वीडियो में एडिटर मोनेटाइजेशन, आप मोनेटाइजेशन आपको इनेबल करना है यहाँ पर। अगर आपको यूट्यूब से अर्निंग करनी है तो आपको यहाँ पर इनेबल पर क्लिक करना है। इनेबल पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर गेट स्टार्ट, तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेज ओपन होगा दोस्तों, जैसा यहाँ पर अभी ओपन होगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन पर राइट क्लिक कर देना है। आई जितने भी आपको यहाँ पर ये पार्टनर्स दिखा रहे हैं आपको इन पर सभी पर राइट क्लिक कर देना है। एक ये रह गया, तो आपको सभी पर राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आई एग्री, यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। आई एक्सेप्ट कर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटअप एडसेंस अकाउंट आ रहा है, तो आपको सेटअप एडसेंस अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटअप एडसेंस अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस पेज पर ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप न्यू क्रिएट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इसी आईडी से अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है तो आप साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली इसने अपने मेरी वेबसाइट का लिंक यू ले लिया है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा यहाँ पर ले रहा है। और आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो आपकी कौन सी लैंग्वेज में आपकी चैनल रहेगा, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ओपन होगी, तो ये लोडिंग हो रही है थोड़ी सी। तो आप यहाँ देख सकते हो कॉन्टैक्ट कंट्री टेरिज में इंडिया, और टाइम जोन आपको पता है यहाँ पर इंडिया का टाइम जोन है कोलकाता का +5:30 कोलकाता। और आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या बिजनेस, तो मैं यहाँ पर मेरा अकाउंट इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, जो भी मेरा एड्रेस है XY, जो भी आपका एड्रेस है आप वहाँ पर वही डाल दीजिए। मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, टाउन कौन सा है जो भी है मेरा टाउन है, और पोस्टल कोड जो भी मेरा पोस्टल कोड है, और स्टेट जो भी है, अगर आप कहाँ पर भी रहते हो तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो आपको एक एडसेंस ईमेल प्रेफरेंस दिखा रहा है, तो आपको इन सभी पर यस 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 कर देना है, और उसके बाद आपको सबमिट माय एप्लीकेशन कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सबमिटिंग हो रहा है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेज ओपन करेगा एडसेंस टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको आई यस एक्सेप्ट यस पर क्लिक करना है, और एक्सेप्ट तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट टू योर गो बैक यूट्यूब, ये वापस रिडायरेक्ट हमें YouTube पर ले जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लू कलर में लिखा हुआ आ गया, योर एडसेंस एप्लीकेशन इज बीइंग रिव्यू, यू विल बी एन ईमेल अबाउट द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन सून, यानी कि ये मुझे 7 डेज के अंदर मतलब मेरा गूगल एडसेंस अप्रूव हुआ या नहीं हुआ ये 7 डेज के अंदर मुझे बता देंगे। यानी कि मैक्सिमम दोस्तों ये 7 डेज तो बोलते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन लग जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो आपको अपनी वीडियो मोनेटाइज कैसे करनी है मैं भी ये आपको बता देता हूँ। आपको मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो मैनेजर में जाना है। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपकी वीडियो ओपन होगी, जब फिर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपनी सैम्पल वीडियो डाली, तो आपको यहाँ सैम्पल वीडियो पर जो भी वीडियो है आपको उस पर एडिट पर क्लिक करना है।
एडिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर चार ऑप्शन आ रहे हैं, बेसिक इन्फो, ट्रांसलेशन, मोनेटाइजेशन और एडवांस सेटिंग। तो आपको मोनेटाइजेशन पर क्लिक करना है। मोनेटाइजेशन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सेटअप एडसेंस अकाउंट बोल रहा है मेरा। तो क्योंकि ये इसलिए बोल रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मेरे अभी तक एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बोला है टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब फॉर योर वीडियो यू नीड टू एडसेंस अकाउंट सेटअप। तो यहाँ पर मैं सेटअप पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो वापस मेरे को यहाँ पर ही बोल दिया है। तो मिनिमम मुझे 7 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। 7 डेज़ के आफ्टर 7 डेज़ मुझे यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को मोनेटाइज कर सकता हूँ और मोनेटाइज करने के बाद मैं यहाँ पर से मनी अर्निंग कर सकता हूँ। तो मोनेटाइज करने के बाद आपको जैसे आप वीडियो मैनेजर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ये डॉलर का ये साइन दिखा रहा है, उसके पास आपको यहाँ पर ये ब्लू वाला सर्कल दिखा रहा है जैसा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद। तो दोस्तों बाकी सेटिंग्स तो आपको मैंने सभी कुछ बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन नॉट इनेबल बता रहा है। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पर कभी भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं डालिएगा, क्योंकि आपका अगर आप यूट्यूब पर बिजनेस करना चाहते हो तो आप कॉपीराइट कंटेंट बिल्कुल भी मत डालिएगा। कॉपीराइट कंटेंट से ये होगा कि आपका एडसेंस मतलब आपका गूगल आपका सॉरी आपका गूगल गूगल एडसेंस अकाउंट और आपका यूट्यूब अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप अपने मतलब आप यूट्यूब से मनी अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो आप अपने हिसाब से अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। वैसे तो मैंने जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी आपको बता दी है दोस्तों। और आपका ये डैशबोर्ड है, आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में आप अपनी जो भी एनालिटिक्स है आपकी अर्निंग आपके वॉच टाइम व्यूज सब्सक्राइबर योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप देख सकते हो A to Z। आशा रखता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आप हमारे सब्सक्राइब करने के बाद आप वहाँ पर बेल का आइकन आएगा, तो बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।